हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड मेकअप। आई एम मनीषा एंड आज मैं आप लोगों के साथ कुछ लिपस्टिक्स के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि ऑलमोस्ट न्यू शेड्स हैं। एंड मैं बात करूँगी उनके प्राइस, उनके शेल्फ लाइफ, उनकी जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम गर्ल्स जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूड शेड्स लगाना प्रेफर करती हैं एंड आई पर्सनली लव न्यूड शेड्स, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड हर लुक के साथ चले जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगा सकते वो न्यूड शेड्स लगाते हैं। सो जो आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ, टोटल आपके साथ ये 5 शेड्स शेयर करने वाली हूँ एंड ये लिपस्टिक्स हैं ईबा कॉस्मेटिक्स की, जो कि आपको काफ़ी अच्छे नाइसली ऐसे पैक्ड होके आती हैं कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आउटर पैकेजिंग पे मिल जाती है एंड इन सभी लिपस्टिक्स का प्राइस सेम है। जो प्रिंट रेट है वो 210 रुपीज़ है, बट ये आपको अमेजन एंड इन्हीं की ईबा कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगी ऑन डिस्काउंट। सो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दीज लिपस्टिक्स आर हलाल सर्टिफाइड, क्रुएल्टी फ्री, वेगन है, इट हैज़ नो एल्कोहल, नो पोक और एनिमल डराइव्ड इन्ग्रीडियंट्स हैं इनमें। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये चीज़ अच्छी है इसमें। इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं एलोवेरा, विटामिन ई, शेयर बटर, कोकोनट ऑयल। सो क्योंकि कोकोनट ऑयल है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी लिपस्टिक्स हैं, क्रीमी रिच, मॉइस्चर रिच लिपस्टिक्स हैं, जो कि जो जिनके जो लिप्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं वो लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका जो कोड है वो है A50 डस्की रोज। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके शेड्स अच्छे लगे हैं, काफ़ी सिलेक्टेड मैंने शेड लिए हैं। सो फर्स्ट इज दिस, अगर आप सिंगल स्वॉच करके लगाएंगे इसको थोड़ा सा डैब डैब कर लेंगे तो ये लाइट शेड हो जाएगा, बट ये भी काफ़ी क्यूट रोजी पिंकिश शेड है। सी तो जो नेक्स्ट शेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है A45 ग्लॉसी नेचुरल एंड इन सभी के अभी मैं हैंड स्वॉच दिखा रही हूँ आपको, आगे मैं लिप स्वॉच भी साथ के साथ दिखाऊंगी। वाओ सी, ये सारी लिपस्टिक्स बुलेट लिपस्टिक्स हैं एंड सी इतनी आपको ये 4 ग्राम की पैकेजिंग में मिलती हैं ये सारी लिपस्टिक्स एंड इसका शेड देखिएगा इस कितना ज़्यादा क्यूट है एंड मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ अभी। सी वेरी नाइस न्यूड शेड। थर्ड लिपस्टिक इज कैरेमल क्रीम एंड इसका शेड है A36 एंड ये काफ़ी क्यूट ब्राउनिश एंड कॉफ़ी कलर का शेड है, बट काफ़ी लाइट है, कॉफ़ी शेड जो होते हैं काफ़ी डार्क हो जाता है। सी काफ़ी ज़्यादा वेरी नाइस न्यूड ब्राउनिश शेड में आता है ये, आई टोटली लव द टेक्सचर, काफ़ी क्रीमी है एंड ये जो लिपस्टिक्स हैं आपकी ये बहुत इजीली आपको 10-12 आवर्स स्टे करती हैं आपके लिप्स पर। मैं आपको बता दूं कि ये स्मच प्रूफ नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर पानी वानी का काम कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे फेड हो सकती हैं, बट ये टिंटेड लिपस्टिक्स हैं, अगर आपका आपकी लिपस्टिक हट भी जाती है तो उसका टिंट आपके लिप्स पर रहने वाला है एंड काफ़ी इजीली ये इनके स्वॉच जो मैं कर रही हूँ ना बहुत इजीली नहीं जाने वाले हैं एंड इसका जो शेड है वो है A80 पिंक ब्लश, काफ़ी क्यूट पिंकिश शेड है एंड आप इस शेड को एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड इज A95 मूवी टच। वाओ आई लव दिस कलर, वाओ आई लव दिस कलर, काफ़ी अच्छा मूवी शेड है। सी मैंने इसको लगाया भी था अपनी लास्ट वीडियो में, पिंकिश जो शेड होता है ना मूवी शेड वो है इसमें, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ये वाला जो शेड है ना ये
फेयर स्किन टोन पे भी एंड डस्की स्किन टोन पे भी काफी अच्छा जाने वाला है। मेरी स्किन भी इंडियन स्किन टोन है, काफी डस्की स्किन टोन है। अगर मेरे ऊपर अच्छा लगता है, मेरे ऊपर इजीली चला जाता है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों के साथ कैसा जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास A70 रॉयल पिंक। ये काफी ब्राइट पिंकिश शेड है। ये वाला शेड मैं मोस्टली आगे चल के भी मैं या तो इसको आई शेडो या फिर ब्लश के लिए यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट शेड है। सो मेरे ऊपर शायद अच्छा ना लगे ये वाला शेड, बस अदरवाइज देखते हैं। मैं इसको अच्छे से अपने आई बेस के लिए यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट आई हैव दिस A85 पिंक नेक्टर। वाओ, आई लव दिस शेड। दो तीन शेड बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं इसके। सी कितना क्यूट शेड है। सो मुझे जो पर्सनली इन शेड्स में जो अच्छा लगता है, दिस वन एंड ये दिस वन ब्राउनिश एंड ये दो, ये जो वाला पिंक जो शेड है ना, ये काफी ज्यादा लाइट है, तो जो बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन है उन पे काफी अच्छा जाएगा ये दोनों पिंक शेड। बट जो ब्राउनिश थोड़े से टोन होती है ना, उन पे अच्छा नहीं जाने वाला है। तो थोड़े से ये जो मॉवी पिंकिश एंड ये जो शेड है ना, ये अच्छे जाने वाले हैं डस्की स्किन टोन पे। सी दीज आर द स्वॉचेस एंड स्मच प्रूफ इतनी ज्यादा नहीं है, टिंटेड मैंने आपको बता दिया। अगर ये एकदम से मैट नहीं है, ये क्रीमी रिच है। अगर ये छूट भी जाती है तो इनका टिंट आपके लिप्स पर रहता ही है। सो बहुत ही इजीली ये 10 to 12 hours आपके लिप्स पे स्टे करने वाली है। सो गाइज, ये था शॉर्ट रिव्यू ईबा कॉस्मेटिक्स न्यू शेड्स का, जो कि काफी ज्यादा क्रीमी है, क्रीमी रिच लिपस्टिक्स है एंड न्यू शेड्स है सारे के सारे। अगर वीडियो पसंद आई हो एंड हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।